नमस्कार, मैं हूँ योगेश और आप देख रहे हैं द झलको सिकावटी। जी हाँ, लेकर आया हूँ आपके लिए एक बड़ी खबर। आपको बता दें, मंगलवार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सरोज मेमोरियल महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया गया। जी हाँ, निमका थाना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सरोज मेमोरियल महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव और फागो उत्सव एक साथ मनाया गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता महेंद्र सिंह यादव युवा यादव महासभा राजस्थान ने की। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निमका थाना के पूर्व विधायक और सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर और सीकर जिला प्रमुख गायत्री कंवर रही। अतिथियों के द्वारा महाविद्यालय के टॉपर्स को सम्मानित भी किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के अंत में अतिथियों के द्वारा उत्कृष्ट भाषण के लिए महाविद्यालय की छात्रा कामिनी शर्मा को सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें, इस मौके पर महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी गई। कार्यक्रम में निदेशक के यादव ने क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसी सत्र में सरोज मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा भी की। जी हां, इस मौके पर विद्यालय में धर्मवीर सिंह यादव, कृष्ण यादव, महेंद्र सिंह यादव, प्रेम सिंह बाजौर, गायत्री कंवर, दौलतराम गोयल, सीएम अहिर, बाबूलाल गुजर, महेंद्र मांडिया, रणवीर सिंह, धर्मवीर यादव, कृष्ण यादव सहित विद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। जी हां, निमका थाना से इस वक्त की बड़ी और लेटेस्ट खबर सामने आ रही है। ऐसी बड़ी और लेटेस्ट खबरों के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल द झलको सिकावटी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।